हेलो गाइस, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं एकदम फिल्मी। क्रिमिनल जस्टिस का सीज़न 2 है, फीमेल वर्जन सीज़न 1 का। क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स में आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयनका, कीर्ति कुल्हारी, शिल्पा शुक्ला, मिट वशिष्ठ, दीप्ति नावल, आशीष विद्यार्थी और जिशु सेन गुप्ता। प्लॉट, अनुराधा चंद्रा जिनका रोल किया है कीर्ति कुल्हारी ने, वो अपने पति को चाकू मार देती हैं और अपना गुनाह भी कबूल कर लेती हैं। उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शुरू होता है और उनका केस लड़ने के लिए एक बार फिर से माधव आते हैं, यानी कि पंकज त्रिपाठी आते हैं। आपको फर्स्ट एपिसोड से ही मालूम है कि अनुराधा ने चाकू मारा है। बाकी 7 एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि क्यों मारा है। तो अब बात करते हैं कि ये स्टोरी कैसी है। सेक्सिस्ट, ये शो बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट है। सारे मेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे बैड लाइट में किया है। जो पुलिस कपल है उसमें भी जो हस्बैंड है ना, उसको बुरा दिखाया है, डॉक्टर मोक्ष को बुरा दिखाया है, और भी सारे मेल कैरेक्टर्स को जो है बुरा दिखाया है। इनफैक्ट माधव का जो कैरेक्टर है, जो हमने सीज़न 1 में भी देखा था, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंसियर बंदा है, उसको भी जो है इसमें जो है बैड लाइट में दिखाया है। उसके भी कैरेक्टर में जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि माधव की वाइफ का आना और जिस तरीके से माधव अपनी वाइफ के साथ बिहेव करता है वो बहुत अननेसेसरी है। अनुप्रिया गोयनका की माँ का टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, एवरी मेल इज़ बैड इन दिस शो। थीम्स लाइक मैरिटल रेप, मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक अब्यूज, इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे सिर्फ बात करता है ये शो। इतने सारे थीम्स ऐड करने के चक्कर में एक को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया। शो इतना मैच्योर नहीं है कि इन्हें एक्सप्लोर कर सके। मिसयूज़, क्लिनिकल डिप्रेशन इस टर्म का यूज़ स्पेसिफिकली किया है, पर इसका पोर्ट्रेल बहुत गलत तरीके से दिखाया है। क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ मच वर्स। क्लिनिकल डिप्रेशन का ऑलमोस्ट एक्यूरेट पोर्ट्रेल अगर आपको देखना है तो आप लार्ज वॉन ट्रायर की मेलनकोलिया देखो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्लिनिकल डिप्रेशन कितना बुरा होता है। कॉमेडी, माधव और उसकी वाइफ के बीच की जो कॉन्वर्जेशन है वो काफ़ी मज़ेदार है, उन्हें सुनने में मज़ा भी आता है और उन्हें देख के हंसी भी आती है। पंकज त्रिपाठी की कॉमिक टाइमिंग वाकई में बहुत अच्छी है। पर इस स्टोरी में, इस ट्रेजेडी के बीच में जब माधव और उसकी वाइफ को दिखाते हैं ना, तो फ्लो बिगड़ जाता है। ये कॉमेडी सीन्स फोर्स्ड फील होते हैं। पुलिस एंड कोर्ट, पुलिस में जो कपल दिखाया है ना, उसमें जो हस्बैंड है वो जिस तरह से, जिस एटीट्यूड में अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता है, रियलिटी में ऐसा कोई करे तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाए। और हस्बैंड वाइफ एक ही थाने में, एक ही केस में इन्वॉल्व हैं, इट्स वेरी अनरियलिस्टिक, और कोर्ट रूम भी रियलिटी से बहुत दूर है। प्रिजन इनमेट्स काफ़ी स्टेरियोटिपिकल हैं, एक ड्रग एडिक्ट है, अल्फा फीमेल है, ब्राउन फेस नेक्सलाइट, प्रेग्नेंट विक्टिम, और उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। कोशिश इन लोगों ने की है सीज़न 1 जैसा ही प्रिजन क्रिएट करने की, पर उसमें जो है जैकी श्राफ और भट्टाचार्य की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनका कैरेक्टर भी अच्छे से लिखा गया था और उनको ढंग से इन्वॉल्व भी किया था शो में, पर इस सीज़न में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी फीमेल जो है प्रिजनर्स हैं उनमें वो दम नहीं है, वो बात नहीं है, और काफ़ी स्टीरियोटिपिकल हैं। नो सस्पेंस, इस सीज़न में कोई सस्पेंस नहीं है। आपको पता है कि अनुराधा ने चाकू मारा है, और अगर आप पहला एपिसोड क्लोजली और ध्यान से देखोगे ना, तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि क्यों मारा है। तो ये शो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाता है। परफॉर्मेंसेस एंड कैरेक्टर्स, कृति कुल्हारी काफ़ी वन डिमेंशनल लगती हैं, और अगर आप डिप्रेशन का पोर्ट्रे कर रहे हो तो वैसे तो वो पूरे सीज़न में चुप रहती हैं और रोती रहती हैं, ठीक है, उनके हिसाब से क्रिटिकल डिप्रेशन ऐसा होता है। फिर लास्ट एपिसोड में भी तो वो बोलती है ना बिना इलाज के, तो फिर सेकंड एपिसोड में ही बोल देती, थर्ड एपिसोड में शो ख़त्म कर देते। जिस इंग्लिश शो से ये कॉपीड है उसमें 5 ही एपिसोड थे। कृति कुल्हारी इतना चुप रहती हैं और इतना रोती है ना कि ये शो खींच खींच के 8 एपिसोड जितना लंबा हो जाता है। इनफैक्ट एक सीन में तो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर यानी कि माधव बोलता है कि ये क्या बोलेगी, ये तो शॉक में है, और ये चीज़ जो है पूरे सीज़न में जो है काफ़ी लंबी खींची गई है। पंकज त्रिपाठी इज़ अ जैम, अ मोस्ट वैल्यूड प्लेयर इन इंडियन OTT प्लेटफॉर्म। वो इस शो के मेन लॉयर हैं, पर इस सीज़न में इंपॉर्टेंट सीन्स में वो बैक सीट पर आ जाते हैं और फ्रंट पे होती है उनकी कलीग अनुप्रिया गोयनका। इससे होता ये है कि पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर आर्क है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत फेमस लॉयर हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, वो तो खुद अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो जब बैक सीट पर आ जाते हैं और वो मेन कैरेक्टर भी हैं इस शो के, तो वो थोड़ा अटपटा लगता है। और साथ में जिस तरह से वो अपनी वाइफ से बिहेव करते हैं तो उनका कैरेक्टर ना बिल्कुल ख़राब सा कर दिया गया है। और फिर जब ये शो ख़त्म होता है ना, जब आप सारे कैरेक्टर्स को जो है सोचते हो कि सारे मेल कैरेक्टर्स कैसे थे, सारे फीमेल कैरेक्टर्स कैसे थे, तो आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ हर मेल कैरेक्टर के साथ की गई है।
हर मेल कैरेक्टर को काइंड ऑफ जो है बैड लाइट में रखा गया है, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था। परफॉर्मेंस में तो कृति कुल्हारी और जो उनके प्रिजन इनमेट्स हैं ना, उनके अलावा सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। पंकज त्रिपाठी का तो कहना ही क्या, पंकज त्रिपाठी के बाद मुझे जो है लेडी पुलिस ऑफिसर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। प्रोडक्शन क्वालिटी, कुछ सीन्स हैं जिसमें नीचे रात हो रही है और ऊपर आसमान नीला दिख रहा है, कुछ सीन टू सीन ट्रांजिशन में स्मूथनेस नहीं है। इसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी में मुझे कोई इशू नहीं लगा, कोर्ट रूम हो या प्रिजन हो सबको अच्छे से दिखाया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी के बिना ये शो काफ़ी बोरिंग हो जाता, पर दिक्कत ये है ना कि ये कॉमेडी शो थोड़ी है, जिस स्टोरी को ये, जिस कंटेंट को ये 3 एपिसोड में दिखा सकते थे ना, उसको इन्होंने 8 एपिसोड तक खींचा है। पीटर मोफैट की क्रिमिनल जस्टिस के 2 ही सीज़न आए थे और ये शो उसी से कॉपीड है, तो शायद इसका भी 3रा सीज़न नहीं आएगा। सौ की एक बात यह है कि मुझे मज़ा नहीं आया इस सीज़न में। फिल्म्स या शोज से रिलेटेड आपको कोई भी बात करनी हो तो मैं ट्विटर पे हूँ, ट्विटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।